Good morning, students. Today we will study exercise 14.3. Exercise 14.3. Question 6. ये हमने कल पढ़ा था थोड़ा सा. हमें इस क्वेश्चन में पढ़ना है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स अप टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम. नीचे में लिखा है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ पर, बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. एक ही ग्राफ पेपर पर दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बताने हैं. From the two polygons, compare the performance of the two sections. यह है question. Now, section A में marks हैं 0 to 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50. ये दोनों section में जो classes हैं, जो marks हैं students के, ये same हैं. मैंने आपको कहा था कि हिस्टोग्राम के लिए कंटिन्यूस क्लासेस होना जरूरी है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए कंटिन्यूस क्लासेस के साथ साथ हमें क्लासमार्क प्लॉट करने पड़ता है. तो क्लासमार्क्स क्या होते हैं ये मैंने कल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू, जीरो प्लस टेन, टेन, टेन डिवाइडेड बाई टू, फाइव, ये 30, दोनों का प्लस 2 से डिवाइड करो 15. इस तरह से आप पहले क्लास मार्क करें. सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी है 3, 9, 17, 12 एंड 9. सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी है 5, 19, 15, 10 एंड 1. सो सबसे पहले आपको ये टेबल बनाना है सॉल्यूशन. सो इट इज सॉल्यूशन. टेबल बनाने के बाद में हम पहले सेक्शन ए के लिए सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालेंगे. हमको सेम ग्राफ पेपर पर दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बताना. पहले सेक्शन ए के लिए प्लॉटिंग पॉइंट्स होते हैं क्लास मार्क और सेक्शन. तो ये 5, 15, 25, 35, 45, ये हम ये जो क्लास मार्क्स हैं यहां पर आप देखेंगे ग्राफ में जो प्लॉट करने जा रहे हैं विजिबल. Yes, it is visible. So, ये क्लास मार्क्स हैं 0 टू 5, सभी में 5 का डिफरेंस है. मैंने क्रिंक नहीं दिया. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. इस तरह से 5, 15, 25, 35, 45. So, यहां पर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, 10 नहीं है. हमारा पहला क्लास मार्क होगा 5, देन 15, देन 25, इस तरह से. सो सेक्शन ए के लिए क्लास मार्क है 5. वाई एक्सिस पर जो मैंने फ्रीक्वेंसी ली है मैक्सिमम 17 है, 19 है, यानी कि 20 तक करना है. तो मैंने क्या किया कि स्केल लेयर 2 की, यानी कि यहां पर जो बीच में लाइन होती है 0.5 की, ये कहलाएगी 1, ये कहलाएगी 3, ये कहलाएगी 5, इस तरह से. सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. मैं यहां पर स्केल लिखा दूंगा लेकिन लास्ट में अभी मेरा टेबल है तो पहले मैं आपको पॉइंट्स को प्लॉट करके बताता हूं. फर्स्ट है क्लास मार्क 5 एंड 3, पहले इसको प्लॉट करना है. ये है 5 क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी है 3. ये हो गया आपका पहला 5 एंड 3, इस तरह से 15 पर 9, यह है 15 और यह है आपका 9, 15 एंड सॉरी 8 और 10 के बीच में 9, ये 9 हो गया 8 और 10 के बीच में और यह हो गया आपका 15. सो इट इज 15 एंड 9. उसके बाद में है
25 17, यह है 25 17 रहेगा, 16 और 18 के बीच में यहां पर ये हो गया आपका 25 एंड 17। उसके बाद में 35 एंड 12, यह है 35 और 12 है, ये ऑलरेडी है यहां पर, ये आप देख सकते हैं ये 12, सो ये हो गया 35 12। उसके बाद 45 एंड 9, सो यह है 9, यह है 9, ये 9 और ये 45 और यहां से आएंगे तो ये है आपका 9। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अब इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए पॉलीगॉन बनाइए। ये फर्स्ट टू पॉइंट्स, उसके बाद ये, उसके बाद 15 25 35, के बाद में 45, इस तरह से ये हुआ सेक्शन ए के। अब शुरू करेंगे सेक्शन बी के। सेक्शन बी 5 एंड 5, ये 5 और ये 5, उसके बाद 15 एंड 19, ये है 15, ये है 19 यहां पर, उसके बाद 25 15, यह है 25 और यह है 15, दिस इज, उसके बाद 35 एंड 10, यह है 35 और यह है 10, उसके बाद 45 एंड 1, 45 एंड 1 सेक्शन बी के। सो ये यहां अब इसको हम जोड़ेंगे, लेकिन दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिखने चाहिए, सो इसको हम डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। डैश तो दो दो अलग अलग दिखेंगे, इस तरह से,
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जिसमें प्लॉटिंग किया जाता है क्लास पर जो एक्स एक्सिस पर लिया जाता है और ये जो नंबर ऑफ स्ट्रेंस यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है यह है नंबर ऑफ स्ट्रेंस फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर। उसके बाद में प्लॉटिंग करेंगे क्लास्मर के साथ फ्रीक्वेंसी को इस तरह से प्लॉट करेंगे। अगर एक ही ग्राफ पर दो पॉलीगॉन हैं तो उनको सेपरेट डिजाइन में बताएंगे राइट। नाउ अब मेरे को लिखना है इसकी स्केल और कौन सा पॉलीगॉन किस सेक्शन का है ये बताना। उसके पहले ये मेरे प्लॉटिंग हो चुके हैं, अब मैं इस टेबल को क्लीन करूंगा। सबसे पहले स्केल ऑन एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस ऑन एक्सिस यहां तक 1 सेंटीमीटर यहां तक 2 सेंटीमीटर ये हुआ 10। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्लास मार्क। ऑन वाई एक्सिस सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 marks। ये हो गई स्केल। उसके बाद में पॉलीगॉन को एक्सप्लेन करेंगे ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इंडिकेट सेक्शन ए और ये जो डैश वाली लाइन है दिस इंडिकेट पॉलीगॉन ऑफ सेक्शन बी। अभी ये कंप्लीट हुआ तो ये हमने आज पढ़ा है 14.3 क्वेश्चन 6 और इस बार ग्राफ का नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह से ओके। नाउ Yes, it is fully explained. Okay. Now, question 7, 8, 9, 3 questions remain रहे हैं और ये थोड़ा सा यहां पर अगर मैं plot करने जाऊं पहले का प्लॉटिंग था मेरा इसलिए थोड़ा कम टाइम में हुआ। ये पूरा 1 पीरियड 40 मिनट्स ले लेगा जबकि 40 मिनट्स का वीडियो बनता ही नहीं है। सो क्वेश्चन 7 जो है द रन स्कोर्ड बाय टीम्स ए एंड बी जो मैंने अभी यहां 2 सेक्शन के बताया उस तरह से ही है। ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो 1 to 6, 7 to 12 क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है। सो टीम ए ने कितने रन स्कोर किया और टीम बी ने किया ये दिया है। पहले हमको इसके क्लासेस कंटिन्यूस करके इसके क्लास मार्क्स फाइंड करने पड़ेंगे। नीचे में है टेबल के रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जैसे यहां पर तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किया है मैंने वैसे इसको करना है। हिंट में दिया है
फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। लेकिन आपको पहले क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस करना है, वो कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। तो So, इसके टेबल के लिए क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है, पहले क्लासेस कंटिन्यूअस करना है और फिर जो अभी मैंने बताया वैसी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालना है। बट टेबल भी काफी लॉन्ग है और 11 प्लेयर्स होता है क्रिकेट टीम में, तो यहाँ पर 11 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो लास्ट बैटमैन तो नॉट आउट रहता है, बाकी 10 के स्कोर्स तो है ही। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको कल के पीरियड में बिग टेबल एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट पीरियड टुमारो। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।